हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल केन एंड एग्जॉटिक्स। आपका अपने ही चैनल केन एंड एग्जॉटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप एक डॉग लवर हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो चलते चलते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है, बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं अभी देखने के लिए। तो आज बात करते हैं पार्वो वायरस पे। पार्वो वायरस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप सीधे इस वीडियो पे आए हैं, तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, आपसे बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, पहले वो वाली वीडियो देख के आओ, फिर इस वीडियो से कंटिन्यूटी करेंगे, ठीक है? हाँ, तो अब आपने वो वीडियो अगर देख ली है तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आज का कि वैक्सीनेशन के बाद भी डॉग को पार्वो वायरस क्यों हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीनेशन है क्या। जब डॉग का बर्थ होता है, ठीक है, जब पपीज़ का बर्थ हुआ, तो वो अपने मदर मिल्क जो उसको मिलता है उसमें होती हैं एंटीबॉडीज़, जो 4 वीक्स तक रहती हैं। उसके बाद क्या, हमें वैक्सीनेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पपी की, ठीक है? कई लोगों को वैक्सीनेशन शेड्यूल पता नहीं होता पपी का। कई लोग एक ही वैक्सीनेशन जैसे लगवा ली तो बूस्टर डोज लगवाना ठीक नहीं समझते, तो कोई बात नहीं, काम चलता है, ऐसा काम होता है, ठीक है? तो आपको मैं बता देता हूँ, पपी की फर्स्ट वैक्सीनेशन जो आपने करवानी है वो 4 to 6 वीक्स के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है? जो आपने फर्स्ट उसका बूस्टर डोज देनी है वो आपको 8 to 10 वीक्स के अंदर देनी है, और जो सेकंड बूस्टर डोज देनी है वो 10 to 12 वीक्स के अंदर देनी है। बूस्टर डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर देगा। अब बात करते हैं ये फेलियर कैसे आता है। सबसे पहली बात, वैक्सीनेशन में खराबी है। वैक्सीनेशन की एक्सपायरी डेट देखें और रीसेंट से रीसेंट वैक्सीनेशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि वैक्सीनेशन को स्टोर करने का एक करेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए। और ये तो वैसे भी इंडिया है भाई लोगों, यहाँ पे घर पे लाइट नहीं होती, तो उन्होंने कौन से जनरेटर लगवाए हैं अपने रेफ्रिजरेटर पे। तो एक ऑथेंटिक मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे जाएं जिस बंदे के पास बिल्कुल ठीक रहेंगी वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन का टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो वो वैक्सीनेशन ख़राब होगी, वो असर नहीं करेगी। प्लस वैक्सीनेशन जब आप कैरी कर रहे हैं उसमें आइस क्यूब देंगे, वहाँ आपको उस आइस क्यूब के साथ कैरी करनी है वैक्सीनेशन। हो सके तो अपने अपने से एक बोतल ले जाया करो, जैसे 1 लीटर की बोतल होती है ना, तो उसमें वैक्सीनेशन से आइस क्यूब डाल दिए, उसमें वो शीशियाँ निकाल कर डाल दिया करो, और उसके ऊपर फिर से आइस क्यूब डाल के बंद करके लेके आया करो अपने घर पे, आप ये ट्राई करो, ठीक है? दूसरी बात, जो नौ सीखिए बंदे जो डॉक्टर बने हुए हैं जिनको इंजेक्शन लगाना आता, साले मिक्स करते करते आधा 1 ml का तो इंजेक्शन होता है यार, आधा ml तो वो चेक करते बाहर निकाल देते हैं सिरिंज के, ठीक है? वो उसको अमाउंट नहीं मिल पाती जितनी उसको वैक्सीनेशन के लिए चाहिए थी। दूसरा रीज़न ये हो गया, और तीनों के तीनों शॉट आपने लगवाने ही लगवाने हैं। और ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो चलते चलते ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। नहीं अच्छी लगी डिसलाइक मार दो, चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, कोई इशू नहीं है। और जो मेरे भाई कमेंट में बोल रहे थे कि पॉकेट बोली पे बनाओ वीडियो, इस पे बनाओ, सभी बनेगी, सभी बनेगी, पढ़ के बनेगी वीडियो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, बाय, जय हिंद।